हाय फ्रेंड्स, मैं रुपमा जैन एक बार फिर आपका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वीएससी ट्यूटर्स पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ कि हाउ टू इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो। और यू कैन से अगर मुझे VB.NET या VB या ASP.NET या C# के साथ काम करना है तो हाउ कैन आई इंस्टॉल द IDE, दैट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट इन विच आई कैन वर्क ईजीली। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको इंस्टॉलेशन सिखा रही हूँ, इसीलिए आपको सबसे पहले आपके पास इंटरनेट होना चाहिए और एक ब्राउजर होना चाहिए। राइट नाउ आई एम ओपनिंग गूगल क्रोम एंड हियर आई एम राइटिंग विजुअल स्टूडियो डाउनलोड। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मेरे पास कुछ माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो के जो साइट है उसका आपको लिंक दिखने लगते हैं। काफी सारे आपको लिंक नजर आ रहे होंगे यहाँ पर, बट मैं आपको बोलूंगी ये वाला लिंक जिसमें विजुअल स्टूडियो 2019 IDE प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है। इट विल डायरेक्टली टेक अस टू दैट पेज जहां पर हमें IDE का लिंक मिल जाएगा। तो आई एम क्लिकिंग देयर। व्हेन आई एम डूइंग दिस, इट विल शो मी दिस पेज। अगर आप देखें तो ये इसका लिंक है visualstudio.microsoft.com/vs। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको डाउनलोड विजुअल स्टूडियो का एक लिंक दिख रहा होगा। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो तीन आपके इसके अलग अलग वर्जन के लिंक्स हैं। एंड हियर यू नीड टू सिलेक्ट एंटरप्राइज 2019। आई एम क्लिकिंग ऑन एंटरप्राइज 2019 एंड आफ्टर देन, जैसे ही मैंने किया तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास उसका जो एक exe फाइल है जिसको जो उसको सेटअप बोलते हैं, दैट विल बी डाउनलोडेड। सो आई नीड टू गो इन दैट फोल्डर वेयर दिस फाइल इज सेव्ड नाउ। What I am doing is I am clicking on show in folder. Yes, this is the file which has been just downloaded and I need to click this and I need to install my Visual Studio using this file only. ठीक है, तो अब मैं इस टाइम पर इसको डबल क्लिक कर रही हूँ दोस्तों। See, जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो it is asking me to allow few things. तो मेरे को यहाँ पर करना है yes. तो मैंने जैसे इसको yes क्लिक किया, it will ask you to फॉर मोर अदर यू नो परमिशन, सो आई नीड टू कंटिन्यू नाउ। आफ्टर देखकर आप देख रहे हो तो यहाँ मैंने जैसे कंटिन्यू क्लिक किया, देखिए देयर इज समथिंग व्हिच इज गेटिंग डाउनलोडेड, मींस दीज आर सम फाइल व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर। तो ये इन फाइल्स को डाउनलोड कर रहा है फ्रॉम द सेम वेबसाइट जहां से हमने ये सेटअप फाइल लिया है। इसके बाद ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा, आपको इसके अंदर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए डाउनलोड हैज बीन डन, इंस्टॉलेशन विल टेक फ्यू सेकेंड्स, यस almost done, but still there are some options which we need to set. तो अभी देखिए दोस्तों, एक बार हो जाए तो मैं आपको दिखाती हूँ। almost done, okay. See, these are different components. अगर आप यहाँ देख रहे हो तो आपको बहुत सारे components यहाँ पर नजर आएंगे, basically gaming के लिए या फिर आपको कुछ और काम करना है like python वगैरह पे आपको IDE चाहिए, कुछ ऐसा ऐसा चाहिए, तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स भी और सारे भी। बट अभी क्योंकि मैं .NET की बात कर रहा हूँ तो .NET मुझे डेस्कटॉप पे चलाना है, सो आई नीड टू यूज दिस वन जिसमें विजुअल बेसिक मेरे को स्पेशली चाहिए। तो आई नीड टू क्लिक ऑन दिस एंड आफ्टर देन, जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए राइट साइड पे आपको काफी सारे अलग अलग पैकेजेस मिलेंगे इंस्टॉलेशन के लिए। आप इनमें से कुछ अगर चेक या अनचेक करना चाहें अपने अकॉर्डिंग तो यू कैन डू। और अगर आपको कोई चेंज नहीं करना, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन इंस्टॉल। तो इट इज नाउ स्टार्टिंग इंस्टॉलेशन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले कुछ फाइल्स हैं जो डाउनलोड होंगी और वो डाउनलोड होने के बाद कुछ चीजें हैं वो इंस्टॉल होंगी। इट विल टेक अराउंड 2 to 3 minutes, सो हैव पेशेंस फॉर दिस। ठीक है दोस्तों, तो इट इज राइट नाउ डूइंग, आई विल लेट यू नो वंस इट विल बी डन। इट इज ऑलमोस्ट डन एंड राइट नाउ इट इज गेटिंग स्टार्टेड। ठीक है ना, क्योंकि हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका है। अब दोस्तों देखिए, ये आपको एक वो दिखा रहा है कि आपने अपना कोई साइन इन करना है, अकाउंट बनाकर या फिर क्रिएट करना है, ऑलरेडी आपका है, साइन इन कर लीजिए या आप बिना अकाउंट के काम करना चाहिए। तो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन नॉट नाउ। इसके बाद दोस्तों, आपके पास एक फैमिलियर एनवायरमेंट देना चाहता है, वो आपके अकॉर्डिंग चाहता है आप कौन सा सेटिंग करना चाहते हैं। तो मैं इसको बाय डिफॉल्ट ब्लू ही रहने दे रही हूँ। इफ यू वॉन्ट टू चूज एनी वन यू कैन डू। तो आई एम जस्ट सिलेक्टिंग एंड स्टार्ट विजुअल स्टूडियो। देखिए दोस्तों, इसके बाद सबसे पहले जो आपका फर्स्ट जो आपके सामने इंटरफेस आती है, दैट विल बी ओपन्ड ऑटोमेटिकली। हैव अ लुक, दिस इज द फर्स्ट विंडो व्हिच शुड ओपन इन फ्रंट ऑफ यू व्हेनेवर यू वांट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट देयर। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्योंकि विजुअल स्टूडियो के अलावा बहुत सारे और भी तरीके की कोडिंग कर सकते हैं, इसीलिए आपको प्रोजेक्ट टाइप चूज करने के लिए सबसे पहले आता है। तो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट एज ऑफ नाउ। ठीक है,
जैसे ही मैं क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट कर रही हूँ, इट इज शोइंग मी मेनी काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस व्हिच आई कैन यूज इट हियर, ठीक है ना. बट अब मुझे क्या करना है, मुझे एक नॉर्मल विंडोज पे जो फॉर्म होता है वो बनाना. तो सो आई नीड टू सर्च फॉर विंडोज. देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा विंडोज फॉर्म ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क डॉट नेट कोर, बहुत सारा विंडोज का है, बट आई एम जस्ट चूजिंग दिस विंडोज फॉर्म ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क. तो व्हेन आई एम चूजिंग इट एंड हेयर, जब मैं उसको क्लिक करती हूँ, इट विल आस्क यू टू गिव द प्रोजेक्ट नेम. आई कैन लीव इट एज इट इज एज वेल, एंड इफ आई वॉन्ट टू चेंज द नेम, यस आई कैन चेंज एज वेल. सो आई एम चेंजिंग इट टू अनुपमा. एंड जब मैं अनुपमा क्लिक करती हूँ, तो इट विल आस्क यू टू क्रिएट और टू गो बैक. आई एम क्लिकिंग ऑन क्रिएट. इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स. इसके अंदर क्या होगा, आपका जो प्रॉपर प्रोजेक्ट की फर्स्ट विंडो है, जहां पर मुझे एक्चुअली डिजाइनिंग करना है या मुझे कुछ भी क्रिएट करना है, दैट विल बी ओपन्ड इन फ्रंट ऑफ यू. यस, दिस इज द फर्स्ट विंडो व्हिच वी विल यूज इन अवर सबसिक्वेंट वीडियोस. राइट नाउ दिस इज द वीडियो, दिस इज द फॉर्म, एंड एक्चुअली वी नीड टू वर्क हेयर ऑन दिस पार्ट. बट यस, आई विल कॉन्टिन्यू दिस टॉपिक इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज दोस्तों. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.